दुनिया जहान में इस हफ्ते एक डिजाइनर हैंडबैग दक्षिण कोरिया की राजनीति के बारे में क्या कहता है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है प्रेरणा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। एक घंटे लंबे एक जर्की वीडियो ने दक्षिण कोरिया की राजनीति में खासी हलचल मचा दी। गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए इस वीडियो की क्वालिटी इतनी साफ नहीं थी कि ठीक ठाक पता चल सके कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक पुरुष एक महिला को एक महंगा बैग देते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपरी तौर पर तो इस वीडियो में कोई खास बात नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो ने देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचा दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका देश के संसदीय चुनाव पर भी असर पड़ा। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में दिखाई दे रही महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति की पत्नी यानी फर्स्ट लेडी किम क्योन ही हैं। 51 वर्षीय किम क्योन ही एक ऐसी फैशनेबल महिला हैं जिनके अपने कई व्यापार हैं। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक डिजाइनर हैंडबैग दक्षिण कोरिया की राजनीति के बारे में क्या कहता है। पार्ट 1, हैंडबैग। सितंबर 2022 में ईसाई पादरी चोई जे योंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी यानी फर्स्ट लेडी किम क्योन ही से उनके निजी आवास में मुलाकात की। वो चर्च के एक प्रमुख नेता थे और फर्स्ट लेडी को पहले से जानते थे। हमारे पहले एक्सपर्ट राफेल राशिद सोल स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। उनका मानना है कि चोई जे योंग धार्मिक नेता हैं और दक्षिण कोरिया की राजनीति पर धर्म का काफी असर है। हालांकि दक्षिण कोरिया ईसाई देश नहीं है, मगर ईसाई धार्मिक नेताओं की राजनीति में खासी पहुंच रही है। यह पादरी एक मैसेजिंग सर्विस के जरिए फर्स्ट लेडी के संपर्क में थे। उनके बीच दोस्ताना संबंध थे और वो कई महीनों से एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। इस पादरी की फर्स्ट लेडी के साथ यह पहली मुलाकात नहीं थी। वो पहले भी कई बार उनसे मिल चुके थे। उनका दावा है कि एक पिछली मुलाकात के दौरान उन्होंने फर्स्ट लेडी को वरिष्ठ सरकारी पदों की नियुक्तियों के बारे में बात करते हुए सुना था। फर्स्ट लेडी की सरकार में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है, इसलिए इस पादरी को उनकी वह बातें अनुचित लगी। Seeing that or overhearing that, he claims that he was... उन्होंने फर्स्ट लेडी को सरकारी नियुक्तियों के बारे में बोलते हुए सुना या देखा तो उन्हें लगा कि ये सरकार में गलत तरीके से प्रभाव डालने समान हरकत है। उन्हें लगा कि सरकारी नियुक्तियों में फर्स्ट लेडी के कथित दखल के बारे में लोगों को बताना जनहित में है। इसलिए जब फर्स्ट लेडी के साथ अगली मुलाकात तय हुई तो वो एक सीक्रेट कैमरे के साथ वहां गए। यह कैमरा उनकी कलाई पर बंधी घड़ी में छिपाया गया था। उनका उद्देश्य फर्स्ट लेडी को सरकारी नियुक्तियों में दखल देते हुए रंगे हाथों पकड़ना था। लेकिन जब एक साल बाद यह वीडियो सार्वजनिक हुआ तो बहस का मुद्दा सरकारी नियुक्तियों में फर्स्ट लेडी का दखल नहीं, बल्कि $2,000 का एक डिजाइनर हैंडबैग बन गया था। राफेल राशिद ने बताया कि पादरी का कहना था कि उन्होंने वो हैंडबैग मात्र सौहार्द के तौर पर फर्स्ट लेडी को उपहार के तौर पर देना चाहा था। उनका उद्देश्य उन्हें रिश्वत देना या उन्हें रिश्वत लेते हुए दिखाना नहीं था। वो सिर्फ सरकारी नियुक्तियों में उनकी भूमिका का पर्दाफाश करना चाहते थे। गौरतलब बात यह भी है कि इस वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा कि फर्स्ट लेडी ने वो हैंडबैग स्वीकार कर लिया। In the video, you can overhear him. वीडियो में वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वह हैंडबैग फर्स्ट लेडी को देना चाहते हैं, मगर देते हुए दिखाई नहीं देते। उसमें फर्स्ट लेडी ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि आप हमेशा कीमती उपहार क्यों लेकर आते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे उनके टेबल के सामने संभवतः डियोर का हैंडबैग टेबल पर रखा दिखाई देता है, मगर वो फर्स्ट लेडी के हाथ में नहीं दिखता और ना ही वो उसे घर ले जाते हुए दिखाई देती हैं। इस मामले में अस्पष्टता के बावजूद विवाद ने तूल पकड़ लिया। उस मुलाकात के रिकॉर्डिंग के लगभग एक साल बाद नवंबर 2023 में मीडिया वॉइस ऑफ सोल नाम की संस्था ने विदेशी मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी संस्था ने पादरी को रिकॉर्डिंग के लिए सीक्रेट कैमरा दिया था। उसके चंद महीनों बाद ही देश में संसदीय चुनाव होने वाले थे। हमारे पहले एक्सपर्ट उस पत्रकार सम्मेलन में मौजूद थे। राफेल राशिद कहते हैं कि वो पादरी उस पत्रकार सम्मेलन में आए थे, मगर वो कार्यक्रम एक मीडिया सर्कस में बदल गया
जिसमें विदेशी पत्रकारों पर फोकस था। उसके बाद सभी विदेशी मीडिया में वो खबर आग की तरह फैल गई और दक्षिण कोरिया में एक राजनीतिक तूफान आ गया। पार्ट टू, परिणाम। हमारी दूसरी एक्सपर्ट सारा सोन यूके की शेफील्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ कोरियन स्टडीज की निदेशक हैं। वो कहती हैं कि दक्षिण कोरिया के आम लोग मानते हैं कि राजनेता अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए अपने पद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोग सामान्य जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करते हैं। ऐसे में ये डियोर बैग ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि दक्षिण कोरिया में गिफ्ट या उपहारों का लेन देन सामाजिक रीति रिवाजों का हिस्सा है। It is also very difficult to refuse a gift, particularly if it's अपने से बड़े या वरिष्ठ व्यक्ति से मिल रहे उपहार को लेने से मना करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उपहार के लेन देन से भ्रष्टाचार का रास्ता भी खुलता है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि कब उपहार महज उपहार न रहकर रिश्वत में तब्दील हो जाता है। इसी मसले से निपटने के लिए साल 2016 में दक्षिण कोरिया में एक रिश्वत विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के तहत तय किया गया कि कोई सरकारी पदाधिकारी या उसकी पत्नी कितनी कीमत तक के उपहार स्वीकार कर सकते हैं। जो हैंडबैग फर्स्ट लेडी को दिया गया वो निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा महंगा था। लेकिन रिश्वत विरोधी कानून ने सरकारी पदाधिकारियों को मिलने वाले ऐशो आराम या विशेषाधिकारों से जुड़ी समस्या का कोई हल नहीं निकाला। इस वजह से आम लोग अपनी और सरकारी पदाधिकारियों की जीवन शैली के बीच असमानता के प्रति काफी नाराज हैं। और इस विवाद ने आम लोगों के धधकते गुस्से को हवा दी। दक्षिण कोरियाई समाज की ये असमानता ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म पैरासाइट और टीवी सीरीज स्क्विड गेम में भी दर्शाई गई है। The film Parasite, the television drama Squid Game were very much... Parasite और Squid Game समाज के भीतरी असंतुलन पर एक टिप्पणी है। हम Parasite और Squid Game में देखते हैं कि आम लोगों को अपनी जिंदगी में थोड़ा सुधार लाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है और अच्छे जीवन के सपनों के लिए वो अपनी जिंदगी जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं, जबकि उच्च वर्ग के लोग ऐश आराम की जिंदगी बिताते हैं। फैशनेबल और महंगे कपड़े पहनने वाली फर्स्ट लेडी के उस विवादित वीडियो से ये पता चलता है कि जो उस वीडियो में दिखाई दिया वो कोई पहली बार नहीं हो रहा था। सारा सोन का मानना है कि इससे लोगों को लगने लगा कि सत्ता में जो लोग हैं वो सामाजिक असमानता को कम करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मनमाने तरीकों से नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। इस खबर का इतना बड़ा असर इसलिए भी हुआ क्योंकि फर्स्ट लेडी के खिलाफ पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं। फर्स्ट लेडी पर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने एमए और पीएचडी की थीसिस में प्लेजरिज्म या नकल की थी। हाल में उन पर डॉयचे मोटर्स के शेयर की कीमतों को प्रभावित करने के आरोप भी लगे थे। या तो ये आरोप साबित नहीं हो पाए या शेयर की कीमतों को प्रभावित करने के आरोप की जांच नहीं हो पाई। सारा सोन कहती है कि उनके पति राष्ट्रपति यून सिक कियोल ने कुछ मामलों की जांच पर रोक लगा दी, जिससे ये हुआ कि उनकी लोकप्रियता घट गई। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के 2 साल बाद राष्ट्रपति यून उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी को संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त होगा, लेकिन जनता ने अपनी नाराजगी साफ कर दी और उनकी पीपल्स पावर पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा। पार्ट थ्री, राजनीति। राष्ट्रपति यून का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होगा और दक्षिण कोरिया के कानून के मुताबिक वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। हमारी तीसरे एक्सपर्ट जोंग यून ली अमेरिका की नॉर्थ ग्रीनविल यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी हार के बाद राष्ट्रपति यून दक्षिण कोरिया के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जिनका अपने कार्यकाल में किसी भी समय संसद पर नियंत्रण नहीं था। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति यून की पीपल्स पावर पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच संसद में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर कोरिया का मुद्दा। दूसरे महायुद्ध के समय उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से अलग हो गया था और आज वो एक परमाणु शक्ति है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून उत्तर कोरिया को बड़ा खतरा मानते हैं। So, current Yoon government has... यून सरकार ने उत्तर कोरिया के मामले में कड़ी नीति अपना रखी है। उसका कहना है कि जब तक उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार पूरी तरह त्याग नहीं देता, तब तक दक्षिण कोरिया अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लागू करने और दबाव बनाए रखने का प्रयास करता रहेगा।
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी इस रवैये से चिंतित है क्योंकि उसका मानना है कि इस प्रकार उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाने से दोनों देशों के बीच दरार बढ़ती जाएगी। वो उत्तर कोरिया से संपर्क स्थापित करके समझौता वार्ता शुरू करने के पक्ष में है। दोनों देशों के बीच दरार से जुड़ा एक मुद्दा दक्षिण कोरिया के पश्चिमी देशों खासतौर पर अमेरिका के साथ संबंध का भी है। दक्षिण कोरिया में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 2023 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक सुरक्षा समझौता किया, लेकिन इसमें जापान को भी शामिल कर दिया गया। ये बात दक्षिण कोरिया के कई लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि पिछली सदी की शुरुआत में कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया था। जापान के साथ नजदीकियां बढ़ाने की राष्ट्रपति की नीति की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आलोचना भी की। जापान ही एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि चीन के ताइवान पर दावे और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी पूर्व और पश्चिम के देशों में मतभेद पैदा हो रहे हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया में इस बात पर बहस हो रही है कि देश को किसका साथ देना चाहिए। विपक्ष की दलील है कि चीन दक्षिण कोरिया का पड़ोसी ही नहीं बल्कि व्यापार में सबसे बड़ा भागीदार है। दक्षिण कोरिया अगर पश्चिमी गठबंधनों के बहुत करीब जाता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपति इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से कैसे निपटेंगे। उनके इस बात को लेकर भी आलोचना होती है कि अपने कार्यकाल के पहले 2 सालों में उन्होंने विपक्ष और मीडिया के साथ बहुत कम बात की है। राष्ट्रपति यून ने इस आलोचना को गंभीरता से लिया है और अब वो आम लोगों से ज्यादा मिलते और मीडिया से अधिक बात करने लगे हैं। संसद में विपक्ष का बहुमत है, जिसकी वजह से अब वो विपक्षी के साथ भी ज्यादा बात करने लगे हैं। उन्हें विपक्ष के साथ निपटने में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। विपक्ष के साथ बातचीत का रास्ता अपनाने से उन्हें लोगों से राजनीतिक सहानुभूति जरूर मिल सकती है, जिसका फायदा उन्हें अपनी नीतियों को संसद से पारित करवाने में हो सकता है। पार्ट 4, आगे की डगर। हमारे चौथे एक्सपर्ट एंड्रू येव अमेरिका में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ शोध करता है और उनका मानना है कि राष्ट्रपति यून के सामने राजनीतिक ही नहीं निजी चुनौतियां भी हैं। So we have to remember that President Yoon never served in politics until... राष्ट्रपति यून हमेशा राजनीति में नहीं थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक वकील थे, इसलिए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना उन्हें सहजता से नहीं आता। उनके व्यवहार में लचीलापन नहीं बल्कि अहंकार झलकता है, इसलिए वो एक व्यक्ति के तौर पर लोगों में खास लोकप्रिय नहीं है। लोगों से जुड़ने में असमर्थता के कारण उनके लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगले चुनाव में उनकी पार्टी की सफलता की आशा कम है। जहां तक नीतियों का सवाल है, उस पर भी उनके विपक्ष के साथ मतभेद हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को लेकर दिखाई दिया है। The problem's imminent in the sense that North Korea has nuclear weapons and we don't know. समस्या ये है कि कोई भी नहीं कह सकता कि परमाणु क्षमता प्राप्त कर चुके उत्तर कोरिया से निपटने का सही तरीका क्या है। ये मसला और भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका या दक्षिण कोरिया से बात नहीं करना चाहता। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति चुनावों से पहले दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो बदलाव आएंगे, वो इन चुनावों में राष्ट्रपति यून की पार्टी की किस्मत को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि वो दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कम करने पर विचार कर रहे हैं। ये बात राष्ट्रपति यून और उनकी अमेरिका समर्थक पार्टी को पसंद नहीं आएगी। ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है क्योंकि दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया पर अंकुश लगाने के लिए परमाणु क्षमता हासिल करने पर बात हो रही है। लोगों का मानना है कि अगर अमेरिका जरूरी सैनिक सहायता नहीं देता तो हमें खुद परमाणु हथियार हासिल करने चाहिए। अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि एक डिजाइनर हैंडबैग दक्षिण कोरिया की राजनीति के बारे में क्या कहता है। एक ईसाई पादरी और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी के बीच मुलाकात के गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो से लोगों में काफी नाराजगी फैल गई। इसमें एक महंगा बैग फर्स्ट लेडी को उपहार में देने की बात हो रही थी। खास बात ये थी कि ऐसी पेशकश पहली बार नहीं हो रही थी। इस मामले से समाज के ताकतवर ऊंचे तबके और सामान्य लोगों के बीच असमानता को लेकर लंबे समय से धधकते गुस्से को और हवा मिल गई। इसका असर चुनावों पर भी पड़ा और आगे भी बना रह सकता है। इस घटना के कई महीनों बाद राष्ट्रपति यून ने अपनी पत्नी के बर्ताव पर माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया था। उनकी पत्नी किम क्योन ही पिछले कुछ समय से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, तो कम से कम इस मामले में एक डिजाइनर हैंडबैग दक्षिण कोरिया की राजनीति के बारे में काफी कुछ कहता है।